प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे पाठ 7 चिरकुट की गाड़ी से। तो चलिए जल्दी से अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल लीजिए, शुरू करें। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन टुडेज डेट हियर। पाठ 7 इन द फर्स्ट लाइन चिरकुट की गाड़ी पाठ का नाम है। सेकंड लाइन में हमारा टॉपिक है प्रश्न उत्तर। इन द थर्ड लाइन हम फोर्थ लाइन से काम करना शुरू करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कालू कौवा किसे खाना चाहता था। आई रिपीट, कालू कौवा किसे खाना चाहता था। ये प्रश्न है, इसलिए मैंने प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया है। उत्तर है, कालू कौवा चिरकुट चिड़िया के दो बच्चों को खाना चाहता था। फिर से सुने, कालू कौवा चिरकुट चिड़िया के दो बच्चों को खाना चाहता था। आपको पता है, आपने स्टोरी सुनी है, वो दोनों बच्चों को खाना चाहता था ना चिड़िया के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले आपको एक लाइन छोड़नी है। प्रश्न दो, लकड़ी की गाड़ी बनवाने कालू कौवा किसके पास गया। आई रिपीट, लकड़ी की गाड़ी बनवाने कालू कौवा किसके पास गया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है मैंने। उत्तर है, लकड़ी की गाड़ी बनवाने काला कौवा बढ़ई के पास गया। लकड़ी की गाड़ी बनवाने काला कौवा बढ़ई के पास गया। अब जब कोई भी वाक्य पूर्ण होता है, खत्म होता है, तो हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम। इस लाइन को हम पूर्ण विराम बोलते हैं। जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अब फिर से एक लाइन छोड़िए, प्रश्न 3 लिखेंगे। फटे जूते किसने सिले। इसका उत्तर है, फटे जूते चर्मकार ने सिले। प्यारे बच्चों, इन तीनों प्रश्नों को आप सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे और इन सभी प्रश्न उत्तरों को आप याद करेंगे। बाय प्यारे बच्चों।